दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका नए व्लॉग में। तो सब कुछ काम वाम करके, नहा धो के, नाश्ता करके मैं हो चुकी हूँ एकदम तैयार। और ना आज भी मेरे कपड़े सुखाने का दिन है, आज अलमारी फिनिश हो जाएगी, है ना, जो बचा था वो ख़त्म हो जाएगा। और बाहर का मौसम दिखाऊं आपको इस विंडो से, जो विंडो मैंने चमका रखी है। तो आज सुबह सुबह बारिश हुई थी, अभी तक बादल लगे थे लेकिन अभी धूप आ गई है। तो मैं एक बार बाहर चलती हूँ और वहाँ से आपको बहुत ही सुहावना पहाड़ का मौसम दिखाती हूँ। और गाइस, ये मेरे पीछे है ना, ये दूध, आंचल दूध की गाड़ी आती है जो कि आ चुकी है, वो जाते हैं यहाँ पे दूध लेने। और यहाँ पे मम्मी ने आज मिर्ची काट रखी है क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो रात को सारी मिर्ची झड़ जा रही है, तो इतनी मम्मी तोड़ के गई हैं। और अब वो चली गई हैं दूध लेने। और ये यहाँ पे काट रखी है जिसको मैं तोड़ती हूँ, अब छोटी छोटी हो रही है लेकिन झड़ जा रही है। ये इतनी सारी मम्मी ने तोड़ दी है, अब तो थोड़ी बची है, थल्ली है नुन्ना नहीं। पिछली बार इस खेत पे ना मम्मी की बहुत मिर्च हुई थी, इस बार बारिश इतनी हुई ना बीच में सारी झड़ गई। तो गाइज, यहाँ डाले हमने इतने सारे कपड़े, फिर से छाई आ गई और मम्मी ने पूरी मिर्च तोड़ दी है। बाकी खेत में जितनी थी सारी काट भी दी है, भिंडी भी काट दी ये, क्योंकि अब इसमें लग रही नहीं है, ये लट्ठे ही लट्ठे बच गए। सारी उखाड़ दे रहे हो सारी? हाँ, इसमें तो फूल लग रहे हैं अभी। और यहाँ भी हो रखे हैं हमारे बैगन, बैगन है उस दिन तो नहीं मिले मेरे को। अब एक दिन और भरता बनेगा, बैगन ही बैगन हो रहे हैं। लेकिन इस खेत में पिछले साल बहुत ज़्यादा मक्के हुए थे, इस बार कुछ नहीं हुआ है। कद्दू की बेल भी खल्ली देखने की हो रखी है, जिसके घर में है कद्दू हमारे यहाँ दे जाना, क्योंकि हमारी बेल खल्ली देखने की हो रखी है। कद्दू उद्दू कुछ नहीं है इसमें, इस बार कुछ नहीं हुआ। ककड़ी भी खल्ली झूली हो रखा है, एक छोटी फुलझड़ी लग रही है। इतनी नुन्नन्नी कद्दू। तो गाइस, फाइनली मौसम बहुत सही हो गया था और मैं ना स्कूटी लेके बाजार की तरफ निकल पड़ी हूँ, क्योंकि मेरा सूट ना देना ही रह गया और मेरे पास यहाँ पे कपड़े ही नहीं है। जो कपड़े थे वो ऐसे ही बदबूदार हो रखे हैं, तो मेरे पे कपड़े नहीं थे, तो मेरे को सिलवाना था एक सूट जिसको लेके मैं चल रही हूँ। और मेरे को लग रहा है ना, जिस दिन मैं घर से जाती हूँ उस दिन ज़रूर बारिश आती है। पिछली बार भी मैं अकेले निकली थी तो पूरी भीग के आई थी, तो मेरे को लग रहा है कि बारिश आना जाए, तो इसलिए मैं जल्दी से सूट दे के आती हूँ। और अब मैं सोच रही थी मैं आपको पिथौरागढ़ की मार्केट दिखाऊँगी, लेकिन मैं अकेले आई हूँ तो मैं स्कूटी जो चलाऊं या कैमरा जो पकड़ूं, तो आपको दिखाऊंगी मैं मार्केट किसी और दिन जब भी मौका मिलेगा। अभी फ़िलहाल मैं जाती हूं, वैसे बारिश तो नहीं आएगी क्योंकि घाम आने लग गया है। और ये है MES कैंप है ना, MH वो एरिया है, ये इधर मेरा ससुराल है, वो थोड़ा ऊपर वहाँ उस तरफ कामाक्षा माता मंदिर दिख रहा है ना ऊपर टुक्की में, उसके नीचे वहाँ पर है मेरा ससुराल। और बाकी मैं रोड में वीडियो बना रही हूँ ना, आते जाते सब गाड़ी से बाहर को मुंडी निकाल निकाल के मेरे को देख रहे हैं, क्योंकि ये मेन रोड है, यहाँ पे मैंने स्कूटी खड़ी कर रखी है, तो मैं फटाफट यहाँ से भागती हूँ और मतलब बचू ना जानी मैं बीच रोड में छूट। गाइस, मैं पूरी बाजार छान के ना यहाँ पहुँच गई हूँ आगे चौराहे पे, लेकिन पता नहीं वो दुकान कहाँ गई, मैं भूल ही गई। पिछली बार तक तो मैं यहीं सूट सिलाती थी, अब मैं बहुत आगे आ गई हूँ लेकिन मेरे को वो दुकान मिलेगी नहीं, तो यहाँ से मैं टर्न मारती हूँ फिर से ढूंढती हूँ, क्या पता मेरे को मिल जाए। देखते हैं, मेरे को भैया मिल गए, वो पीछे उनकी दुकान है और मैंने यहाँ पे सूट दे दिया। मेरे को उसके लिए लेने जानी है आज 3 नई बाजार में, तो मैं उसके लिए वो सॉरी लेस लेके आती हूँ। गाइस, यहाँ हो रही है रैली, इतनी भीड़ और मैं यहाँ फंस गई। पुरानी पेंशन के लिए, पुरानी पेंशन हक हमारा। हम तो पेंशन देते हैं।
है उसकी जगह ओपीएस, हमें चाहिए ओपीएस, मेरे को भी चाहिए ओपीएस। मेरे को लग रहा है लोग पेंशन ला के ही मानेंगे, हमारी महिलाएं भी हैं। देख रहे हो दोस्तों पेंशन के लिए कितनी भयंकर वाली रैली निकाली गई है। ईपीएस और यूपीएस खत्म करके ये लोग ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं। आज मैं बहुत बुरा फंस चुकी हूँ। सर ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ये ओपीएस चल रहा है। ओपीएस तो नहीं है, ज्यादा पसंद नहीं, पुरानी पेंशन ही लोग। बिल्कुल नहीं। चलो बढ़िया है। आप कौन से विभाग से हैं? शिक्षा विभाग। ठीक है सर, थैंक यू। और अब यहाँ पे रोड खाली हो चुकी है तो मैं भी थोड़ा जाती हूँ तेजी से, क्योंकि मेरे को बहुत देर हो गई है, मैं कब से फंसी हुई हूँ। तो गाइस हो चुकी है शाम, रात होने वाली है थोड़ी देर में, मौसम अंधेरा उजाला दोनों टाइप का हो रहा है। मैं यहाँ हूँ और बारिश ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, शादी से लेके आज तक रिकॉर्ड है, जब जब मैं यहाँ आती हूँ बारिश ज़रूर होती है। तो और मैं दिखाऊँ आपको, मम्मी की ना एक ककड़ी लग रखी है छोटी सी, जिसको आपके यहाँ सैलेड बोलते हैं ना उसको हमारे यहाँ ककड़ी बोलते हैं, और छोटे वालों को रोड़े बोलते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं छोटे वाली ककड़ी को, कमेंट बॉक्स में बताना। तो एक ये हो रखी है, अब दुनिया के झूल सूख गए हैं, अब हमारे झूलों में ककड़ी हो रही है। तो ठीक है फिर आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल करेंगे एक नई शुरुआत। कल इधर उधर बाहर कहीं घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, तो कल वाला व्लॉग आने वाला है कुछ नया। तो आप मेरे हर व्लॉग के साथ बने रहिएगा और मिलते हैं अगले व्लॉग में। ठीक है फिर, बाकी कमेंट बॉक्स में बताते रहना। बाय बाय।